बेल्जियम ने फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेल्जियम की वजीर बराए तरक्याती ताउन कैरोलिन जीन्स ने कहा कि बेल्जियम फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा। अल जजीरा चैनल से बात करते हुए बेल्जियम वजीर ने कहा कि हमारी हुकूमत फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रही है। फलस्तीन में पायदार और तवील मुद्दती अमन हासिल करना जरूरी है। गजा में जाने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। बेल्जियम वजीर का कहना था कि बेल्जियम फलस्तीन के लिए 20 लाख यूरो की इजाफी इमदाद दे रहा है। इससे कबल बेल्जियम की नायब वजीर आजम ने अपनी हुकूमत पर जोर दिया था कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों पर इसराइल के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं। बेल्जियम की नायब वजीर आजम पेटर दसटर ने एक एक्स ट्विटर पोस्ट में कहा कि अब इसराइल पर पाबंदियां लगाने का वक्त है। बेल्जियम की नायब वजीर आजम की जानिब से ये मुतालबा इस वक्त किया गया जब वहां की वफाकी हुकूमत में शामिल 7 में से 5 जमातें इसराइली बायकाट की हिमायत कर रही हैं।